दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मिशन कन्याकुमारी से कश्मीर तक का है। 3500 किलोमीटर का मार्च 150 दिनों में पूरा होगा और 12 राज्यों को कवर करेगा। आगे बताते चले कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है तो दूसरी तरफ लोग भारत तोड़ो यात्रा का भी काम करेंगे। क्या इसमें राहुल गांधी या सेकुलर पार्टियां कामयाब हो पाएंगी? यह यात्रा उत्तर की ओर बढ़ने से पहले 21 दिनों के लिए कर्नाटक में होगी। यह पैदल मार्च प्रतिदिन 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कल ये यात्रा हैदराबाद के महबूब नगर कस्बे के धर्मपुर से फिर से शुरू हुई है। यात्रा के 20 किलोमीटर की दूरी तय करने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी के साथ अभिनेत्री पूनम कौर तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने भी पदयात्रा की है। राज्य में यात्रा का यह चौथा दिन है, यानी कि कर्नाटक में ये यात्रा हो रही है। आगे बताते चले कि कन्याकुमारी से यह यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी यह यात्रा। असम में भी यह यात्रा हो चुकी है। असम के धुबरी जिले में राजीव भवन में भी लोगों से रूबरू हो चुके हैं राहुल गांधी। कहीं पर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं तो कहीं पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपना घर बार छोड़कर 35 किलोमीटर की यात्रा को साथ साथ तय करेंगी, यह भी देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा की समाप्ति से पहले शाम को जड़ चेरला एक्स रोड जंक्शन पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू हुई और राहुल के साथ कांग्रेस के कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। शुक्रवार को महबूब नगर में रात्रि विश्राम से पहले भारत जोड़ो यात्रा ने दिन भर में 23.3 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल खेल, व्यवसाय व मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियों के साथ साथ विभिन्न समुदाय के बुद्धिजीवियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कमेटी कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कहा कि राहुल पूरे तेलंगाना में प्रार्थना स्थल, मस्जिद और मंदिर जाकर वहां पूजा अर्चना भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा का तेलंगाना चरण आरंभ करने से पहले राहुल ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पदयात्रा की थी। राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं उनके पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता साथ साथ चल रहे हैं। कहीं पर सचिन पायलट हैं तो कहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो कहीं पर और कई नेता हैं। जय राम रमेश जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तो शुरुआती ही दौर में कह दिया था कि राहुल गांधी का उदय हो रहा है भारत जोड़ो आंदोलन से और बैकफुट पर आने को मजबूर है बीजेपी आरएसएस। बहुत सारी गंभीर आरोप लगाई जा रही है इस यात्रा के दौरान। कांग्रेस के नेता काफी मुखर होके बोल रहे हैं। तेलंगाना में तो राहुल गांधी ने गजब का सीन दिखलाया। राहुल गांधी ने फोल्क डांस किया और बच्चों के साथ लगाई रेस। कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहीं वॉलीबॉल खेल रहे हैं, यानी कि आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांटना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हर तरह की कोशिशें साधने की कोशिश कर रही है, यानी कि लगातार वो चाह रही है कि किसी तरीके से भारत के हर समुदाय को जोड़ा जाए। लेकिन भाजपा ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। बीजेपी कर्नाटक ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा। उसने ट्वीट किया कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी द्वारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो किया गया। बीजेपी ने सवाल किया कि सुनामी की तरह से आई है, क्या लोगों ने इसे आते हुए नहीं देखा?
हम आपकी शेष यात्रा और आपके द्वारा साझा किए जाने वाले ज्ञान की मोतियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये ऐतिहासिक पल है। भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ पर सोनिया गांधी ने लिखा इमोशनल लेटर। भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन ही राहुल गांधी ने जो जनसभा किया था, उस दौरान शशि थरूर, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, रजनी पाटिल मंच पर मौजूद थे। बीजेपी और कांग्रेस में घमासान भी जारी है। जयराम रमेश और असम सीएम हेमंत शर्मा भिड़े। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने घंटे पूछताछ करते हैं कोई भी विपक्षी नेता। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का उपयोग करके विपक्ष को डरा सकते हैं। समस्या यह है कि भारतीय लोग डरे नहीं। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने घंटे पूछताछ करते हैं, कोई भी विपक्षी नेता डरने वाला नहीं है। बीजेपी को लगता है कि वे धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांट सकते हैं, लेकिन इस देश का बंटवारा नहीं हो सकता, यह देश अखंड रहेगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद कहा कि ऐसा क्यों है कि आज़ादी के इतनी सालों बाद हमें इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि लाखों करोड़ों को भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत महसूस हो रही है। देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि लाखों लोगों को लगता है कि भारत को एक साथ लाने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि तिरंगा उनकी निजी संपत्ति है। राहुल गांधी ने कहा कि यह तिरंगा इतनी आसानी से नहीं मिला है, इसे हमें किसी ने दिया था, यह उपहार नहीं था, इसे भारतीयों ने अर्जित किया है। राहुल गांधी लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यह ध्वज इस देश में रहने वाले हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगे को किसी एक व्यक्ति द्वारा अर्जित नहीं किया गया था, इसे हर भारतीय द्वारा अर्जित किया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन ऐसा एक पोस्टर आया जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया और प्रियंका गांधी नजर आ रही थी। अब उसी पोस्टर पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा है कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा है। अगर आप
इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।